हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 3B के सवाल 4 से बताएंगे। तीन सवाल हम इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं और 4 नंबर से यहाँ से हम चालू करते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। तो इसमें 4 नंबर में विलोपन विधि हल करने को बताया गया है। और विलोपन विधि इससे पहले मैं बनाया था वीडियो जिसमें हमने बेसिक समझाया था, तो ये अब आप लोग आराम से हल कर सकते हैं कि विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे। तो ये सवाल नंबर कितना है यहाँ पर, 4 का, 4 के अंदर 2 सवाल हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो हम यहाँ पर पहला सवाल हल करेंगे, तो बाकी इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं, उसके बाद में हल करेंगे। तो ये दूसरा सवाल हम नोट कर लेते हैं, मतलब 3x - 5y बराबर, नहीं बराबर नहीं, -4 = 0 और 9x = 2x + 7, ये 9x = 2x + 7 है। और तीसरा सवाल लिखा है x/2 + 2y/3 = -1 और x - y/3 = 3, ये लिखा है 3 = 3। चलो हम ये पहला सवाल हल करते हैं, इसको हम विलोपन इससे हल करना है। विलोपन विधि में मैंने बताया कि एक पद को बराबर करेंगे वाई वाई को या एक्स एक्स को, और उसके बाद में उसको घटा देंगे। अगर प्लस प्लस है दोनों में निशान तो लिखेंगे घटाने पर, अगर प्लस माइनस है तो लिखोगे जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखते हैं ये y प्लस k है, यहाँ पर y माइनस k है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 4y, यहाँ पर लिखा है 2y। तो इसको जब हल करोगे तो हल में लिखोगे 3x + 4y = 10, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 1। और दूसरा लिखा है 2x - 2y = 2, ये लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है कि समीकरण 1 में लिखा है 4y और समीकरण 2 में लिखा है 2y, तो 4y ज़्यादा है और माइनस की 2y कम है। तो जो कम है उसको हम 4 के बराबर, जितना यहाँ पर हो ज़्यादा के बराबर करेंगे। तो 2 में हम कितने से गुणा करें कि 4 आ जाए, तो 2 में 2 से गुणा करें तो 2 × 4, तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, प्लस माइनस का निशान है जोड़ने पर, प्लस प्लस या माइनस माइनस को तो घटाने पर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कम है तो 2 में लिखेंगे, 2 में कितने से गुणा करें 4 हो जाए, तो 2 से गुणा करें तो 4 इसमें तो है, 2 से गुणा करके समीकरण जो बचा है समीकरण 1 को जोड़ने पर, समीकरण 1 को जोड़ने पर। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करना है और समीकरण 1 को जोड़ना है, तो पहले गुणा करते हैं 2 में, सभी पदों में करना है, 2 × 4x - 2 × 4y = 2 × 4, इधर भी 4 हो गए। ये लिखा है 2 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर, अब समीकरण 1 भी लिख लो, क्या है समीकरण 1, 3x, ये तो है 3x + 4y = 10, तो 3x + 4y = 10 = 10। अब क्या करोगे इसको जोड़ लेते हैं यहाँ पर, तो ये प्लस के 4 है, यहाँ पर प्लस के 3 है, तो प्लस के कितने होंगे 4 और 3 7x, और जो माइनस प्लस ये कट जाएंगे, माइनस के 4 प्लस के 4, 4 से 4 घटाओ कुछ नहीं बचेगा बराबर। अब ये 4 और 10 हैं, इसको जोड़ो 10 × 4 = 14, और 7 से 14 कट जाएंगे, 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14, तो x = 2 आ गया, ये 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14। अगर इधर कोई संख्या गुणे में है तो इधर की संख्या अगर कटे तो काट दोगे, तो x = 2 आ गया, तो 7 × 7 और 7 × 2 = 14, तो x = यहाँ कितने लिखोगे 2, तो x का मान आया 2। अब हम इसको मिटा देते हैं, इसको ऊपर हट करेंगे, नीचे दिखे वाले में, तो x का मान कितना आया, तो यहाँ पर
एक्स का मान आ गया टू, एक्स बराबर टू आ गया, तो एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर या समीकरण एक में रखने पर एक्स का मान समीकरण प्लस वाले में रखते हैं, समीकरण एक में रखने पर जो प्लस का उसमें रखते हैं, तो एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, तो समीकरण एक यहाँ पर हमने बता दिया है, तो समीकरण एक यहाँ से देख लेते हैं। देखो समीकरण आपका एक ये लिखा था एक जोड़ने पर, तो समीकरण एक ये लिखा था थ्री एक्स प्लस चार वाई बराबर दस, थ्री एक्स प्लस चार वाई बराबर दस, तो हम ये समीकरण एक था, तो यहाँ पर थ्री एक्स प्लस चार वाई लिखते हैं बराबर कितना था दस। अब इसमें मान किसका रखना है एक्स का, तो एक्स के स्थान पर कितना लिखोगे टू, तो थ्री गुणे एक्स के स्थान पर टू प्लस चार वाई बराबर दस और द्वितीय छः प्लस चार वाई बराबर दस, और इस चार वाई ए रो को प्लस दस, और ये प्लस के हैं छः इधर आएंगे किसके होंगे माइनस के, तो चार वाई बराबर कितना हुआ दस से छः घटाओ चार, चार एक चार, चार एक चार, तो वाई बराबर कितना आ गया वन, वाई बराबर कितना आया वन। तो अब लास्ट में लिख दोगे आता है एक्स बराबर कितना आया था टू, और वाई बराबर कितना आया एक, एक्स बराबर टू आया और वाई बराबर एक, तो ये आपका मान हो गया एक्स बराबर एक, विलोपन विधि से चेक करेंगे। तो ये आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा हम समझते हैं, दूसरे में लिखा है थ्री एक्स माइनस पाँच वाई बराबर, नहीं दूसरा ऐसे लिखा है थ्री एक्स माइनस पाँच वाई माइनस चार बराबर जीरो, और नौ एक्स बराबर टू एक्स प्लस सात, इतना लिखा है। तो इसमें पहले तो सही लिखा नहीं है, कोई सवाल हो पहले इसको सही से लिखोगे, तो सही कैसे लिखोगे, तो जो गिनती और अक्षर वाले हैं उनको बाएं साइड में रखना है, और गिनती वाले जो है उनको दाहिनी साइड में लिखो। तो यहाँ पर जैसे लिखा है थ्री एक्स माइनस पाँच वाई माइनस चार बराबर जीरो है, तो हम क्या लिखेंगे थ्री एक्स माइनस पाँच वाई, और ये माइनस के चार है इसको बराबर के इधर लिखोगे किसका लिखोगे प्लस के चार, तो ये हो जाएगी यहाँ पर ये लिख दोगे या करके या थ्री एक्स माइनस पाँच वाई बराबर माइनस चार या थ्री एक्स माइनस पाँच वाई बराबर प्लस के चार, तो ये हो गया समीकरण नंबर एक। दूसरे में लिखा है तो यहाँ लिखोगे तथा नौ एक्स बराबर टू एक्स प्लस सात बराबर कुछ नहीं, नौ एक्स बराबर टू एक्स प्लस सात, इसको लिखोगे या नौ एक्स, नौ एक्स यहाँ पर, यहाँ पर वाई होगा, यहाँ पर गलत लिख दिया, यहाँ पर वाई होगा सवाल में, तो यहाँ पर हम वाई लिख देते हैं वाई टू वाई टू वाई, तो इधर भी लिखेंगे टू वाई, तो ये प्लस के टू वाई है इधर आएंगे तो माइनस के टू वाई बराबर कितना होगा सात बराबर सात, तो इसको लिखेंगे समीकरण नंबर दो। तो एक में लिखा है थ्री एक्स माइनस पाँच वाई बराबर चार, और समीकरण दो में लिखा है नौ एक्स माइनस टू वाई बराबर सात, तो इसको विलोपन इससे हल करना है, तो समीकरण यहाँ पर है नौ एक्स, यहाँ पर है तीन एक्स, यहाँ पर है पाँच वाई, यहाँ पर है टू वाई, तो इसमें माइनस माइनस है तो इसको लिखोगे घटाने पर, लेकिन बराबर इसमें किसको करोगे, तो इसमें एक्स को हम बराबर कर लेते हैं, तो एक्स को बराबर करोगे यहाँ पर नौ लिखा है यहाँ पर है तीन, तो तीन में समीकरण एक में तीन से गुणा कर दो तो नौ आ जाएगा, ये तो नौ यहाँ पर भी छः दो में, तो ये लिखोगे समीकरण समीकरण एक, समीकरण एक में तीन से गुणा करके समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक में तीन से गुणा करके समीकरण एक समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण दो को घटाने पर,
दो को हटाने पर, समीकरण दो को घटाने पर, तो समीकरण एक में तीन से गुणा करके समीकरण दो को घटाने पर ये लिख दिया। तो समीकरण एक में तीन से गुणा करना है। समीकरण एक क्या है, 3x-5y=4 है, तो यहाँ पर तीन से गुणा करो समीकरण एक में, तो 3×9x-15y=3×12 गुणा हो गई समीकरण एक में तीन से गुणा, तो यही तो एक था, तो 3×9=15 × 3×12 ये लिख लिए। अब समीकरण दो को जो घटाने पर लिखा है, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है तो लिखोगे घटाने पर, तो समीकरण दो कौन है, ये वाला है 9x-2y=4। अब इसको लिखा है घटाने पर, तो घटाने पर जब लिखा होगा तो इसके निशान बदल जाएंगे, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस के 9x और ये माइनस के 9x काट जाएंगे, तो ये प्लस के 15y है, सॉरी ये माइनस के 15y प्लस के 2y, तो 15 ज़्यादा है माइनस के, प्लस के कम है, तो प्लस के घटा दो, माइनस के कितने बचेंगे, 15 से 2 घटाओ 13y=, ये 12 प्लस के हैं और ये माइनस के 7 हैं, तो 12 से 7 घटाओ कितना बचेगा 5, y बराबर कितना है, तो y यहाँ लिखते हैं -5/13, तो y का मान आ गया 5/13। अब y का मान 5/13 आ गया है, तब हम f y का मान किसमें रखोगे, समीकरण किसी में एक रख सकते हैं, समीकरण एक में दो में जिसमें रखना चाहो उसमें रख सकते हो, तो ये नीचे दिख रहा है, दिखा दे, तो -13y=5 है और वाई बराबर ये माइनस था तो माइनस में बटे में आ जाएंगे, तो 5/13 -5/13, तो वाई का मान आया -5/13, और ये यहाँ से हम मिटाएंगे, तो वाई का मान समीकरण समीकरण है एक में या दो में जिसमें रखना चाहो, तो समीकरण दो में रखने पर वाई का मान समीकरण दो में रखने पर y का मान समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो नोट कर लो, तो समीकरण दो क्या है 9x-2y=7, तो लिखा है 9x-2y=7, तो ये y के स्थान पर कितना लिखना है -5/13, तो 9x तो इसे लिखना है 9x-2 और ब्रैकेट में लिखना, अगर कोई माइनस की संख्या हो और उसको लिखना पड़े तो ब्रैकेट में लिखो, तो ये माइनस के कितने हैं, -5/13, तो यहाँ लिखेंगे -5/13 बराबर कितने हैं 7, इसको मेल करेंगे, तो 9x माइनस, अब इनकी गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और पंचे 10/13=7, और 9x=7, और ये प्लस के हैं 10/13 कट नहीं पाएंगे, तो माइनस के होंगे 10/13, और 9x=, अब इसकी गुणा कर देते हैं 13 13 7 100 93 91, तो 91-10 93 91-10 और बटे कितने हैं 13 93 91-10/13, तो यहाँ पर x बराबर होगा, अब 91 में से 10 घटाओ कितना 81, अब बटे कितने हैं 13, और यहाँ पर 9 है ये गुणे में, यहाँ पर 9 थे गुणे में, तो इधर आ जाएंगे बटे में 9, ये गुणे में है और इधर आएंगे बटे में, तो 9 × 9 और 9 में 81, तो x बराबर आ गया 9/13 और y बराबर कितना आया था -5/13, तो ये सही है या गलत इसकी जांच कर लो, अभी बता देते हैं यहाँ पर जांच कैसे करोगे ये सही है या गलत, तो आपका y बराबर कितना आया है वो भी लिख देते हैं, y बराबर -5/13
13। अब इसमें मान रख देना है, जैसे समीकरण 2 हम उठाते हैं, लिखा है 9, लगाना आपको यही तक यथा करके लिख दोगे, x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13 आपका लग गया। चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, समीकरण नोट करोगे, -2y बराबर 7 है। अब 9x लिखा है, x के स्थान पर x का मान लिखो, तो x का मान कितना है 9/13, तो गुणे 9/13 और -2 गुणे y का मान कितना है -5/13 बराबर कितने हैं 7। अब 9 81/13 और प्लस ये माइनस माइनस है, -2 -5 गुणे में तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो दुपंचे दस बटे कितने हैं 13 बराबर कितना है 7। अब 81 अब 10 जोड़ो कितने होंगे, हर तो बराबर है इसके, हर कितने हैं 13 13 हैं दोनों, तो 13 कितनी बार लिखोगे एक बार, ऊपर प्लस प्लस है जोड़ दो, 81 91 होगा और आर कितने हैं 7। अब 13 13 63 91 तो लेफ्ट और राइट दोनों में कितना है 7 7, दाया पक्ष और आर बाया पक्ष तो, या बाया पक्ष और आर दाया पक्ष, तो ये दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो आपका आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर 7 लिखा था, इधर भी 7 है इधर भी 7 है, तो आपकी जाँच सही है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो आंसर आया है वो एकदम सही है, तो आप इसको नोट करें, हल करें और उसकी जांच भी अपने आप कर दें। तो इसमें हमने आपको बताए ये 3D के, तो इसके बाद में हम इसके आगे दूसरे वीडियो में बताएंगे।